नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पीली कनेर के बारे में। दोस्तों इसकी रिपोर्टिंग और इसमें ज़्यादा फ्लावर कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में पूरा वीडियो डेडिकेटेड है, तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों पीली कनेर का बॉटनिकल नेम कैस्कावेला थिविसिया है। दोस्तों इसका सिनोनिम्स थिविसिया पेरूबियाना के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। और दोस्तों इसका जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी। दोस्तों इस फैमिली की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें दूध पाया जाता है और ये दूध जो है जहरीला होता है। दोस्तों ये हमारा जो आप प्लांट देख रहे हैं एक करीब 2 साल पुराना है और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। दोस्तों अगर आप पीली कनेर को उगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप नर्सरी से पौधा खरीद कर लेकर के आएँ, और पौधा ऐसा होना चाहिए जो हाइब्रिड हो। दोस्तों वैसे तो देसी जो पौधा होता है वो छोटे गमले में नहीं चल पाता है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका जो देसी वाला जो पौधा होता है वो ट्री हैबिट का होता है, माने बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है देसी पौधे को लगा लेते हैं और फिर उनमें फ्लावरिंग नहीं होती तो दिक्कत आती है। हालांकि देसी पौधे को अगर आप लगाते हैं तो बहुत बड़े स्पेस में लगाना चाहिए, माने बहुत बड़े गमले में लगाना चाहिए, कम से कम 18 से 20 इंच के गमले में लगाना चाहिए, या फिर आपके पास कोई पुरानी टूटी हुई टंकी वगैरह पड़ी हुई हो तो उसमें अगर आप लगा लेते हैं तो भी उसमें जो है फ्लावरिंग हो सकती है। दोस्तों इसका जो फ्लावर है इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग पूजा में करते हैं, और कभी कभी इसका यूज जो है हेज में भी किया जा सकता है। हमने कई जगह ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इसका यूज हेज में किया हुआ है, तो हेज भी इसकी आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल बात हम आपको बता रहे हैं कि इसके दूध में जहर होता है और उस जहर का नाम होता है डाइगॉक्सिन। डाइगॉक्सिन जो जहर होता है ये हार्ट की रेट को कम कर देता है। तो जब भी आप गार्डनिंग करें या इसके जो इसका बीज होता है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में करेला कहते हैं, तो उसको मतलब खाने से बचें। किसी प्रकार से आपके जो है पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपकी हार्ट रेट को कम कर देता है, इसलिए इसका जहर जो है वो थोड़ा सा विषैला होता है। हालांकि जितने जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दूध पाया जाता है, जैसे यूफार्बेसी के फैमिली के पौधे होते हैं उनमें भी दूध पाया जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम क्या करेंगे, इसकी प्रूनिंग कर देंगे और इसकी साइज जो है लगभग एक जैसी रखेंगे। जितनी इसकी टहनियाँ हैं इनकी सबकी टहनियों को हम काट देंगे। दोस्तों प्रूनिंग करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, और इसकी दोस्तों इस टाइम हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप अगर ध्यान से देखेंगे हमने इसकी पहले भी प्रूनिंग कर रखी थी तो इसमें कम से कम 6-7 ब्रांचेस निकल आई और डेली इसमें एक दो फ्लावर मिल ही जाते थे। तो फ्लावर को लेने के लिए अगर आप जैसे पूजा करते हैं तो अगर आपके गार्डन में पीली कनेर नहीं है तो पीली कनेर आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों ऊपर से फंगस का अटैक ना हो जाए इसके लिए हम साफ नाम का जो एंटी फंगल पाउडर है वो इसको हाथ से लगाए दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो बेहतर ये होगा कि आप ग्लव्स का यूज करें, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं हमारी तरह तो जो है आप इस तरीके से बाद में हाथों को अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। इसका कोई भी लेटेक्स या दूध जो है आपके पेट के अंदर या आपकी स्किन पे नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों ये गमला जो आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल 100% इसमें रूट बॉन्ड हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसको बहुत सावधानीपूर्वक निकालना है, आपका गमला नहीं टूटे इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें इतनी ज़बरदस्त रूट बॉन्डिंग हुई हमने थी जो अभी अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ करने के लिए पौधा ग्रोथ करने के लिए मिट्टी ही नहीं बची थी। तो जब पौधे में रूट बॉन्ड हो जाती है तो आपके पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाती है, फ्लावर आते ही नहीं, एक दो का फ्लावर आ जाते हैं फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग तो आ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो है जैसा आप देख रहे हैं ये हमने छोटे से गमले में लगा रखा है, लेकिन हम आपको ये राय देते हैं कि आप इसको बड़े से गमले में ही लगाएं अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं। प्रॉपरली इसकी आपको प्रूनिंग करते रहना है, मिट्टी का सिलेक्शन आपको इस प्रकार से करना है कि मिट्टी जो है पोरस होनी चाहिए। चूंकि दोस्तों ये नहीं निकल पा रहा है तो दोनों पैरों की सहायता से इसको थोड़ा सा खींचेंगे, और देखो दोस्तों देखने खींचने से ये देखो नहीं निकल पा रहा है क्योंकि रूट बॉन्ड बहुत बेस्ट तरीके हो गई है। बस गनीमत है समझो किसी ने गमला ही नहीं तोड़ा है, नहीं अधिकतर पौधे क्या करते हैं कि गमले को ही तोड़ देते हैं, गमला थोड़ा मजबूत था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम आपको भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा रूट बॉन्ड है, कोई भी यहाँ पे ग्रोथ करने का मौका ही नहीं है पौधे के पास। और ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको
रिपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग हमने वही मिट्टी यूज कर ली थी, लेकिन दोस्तों इसकी मिट्टी ऐसी है जो इसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसको कम से कम इस मिट्टी को अभी हम सुखाएंगे, उसके बाद किसी दूसरे पौधे की रिपोर्टिंग में इसको रिचार्ज करेंगे और तब फिर उसको हम रीयूज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास गार्डन सॉइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए। गार्डन सॉइल कैसे बनाते हैं इसके संबंध में हमने पहले से वीडियो बना रखा है, कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको दोस्तों बता देते हैं कि गार्डन सॉइल आपको ऐसी बनानी है जो सबसे पहली बात तो है कि वो पोरस होनी चाहिए, और दोस्तों दूसरी बात है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। दोस्तों देखिए ये जहाँ से गिट्टी निकली हुई है ये इसकी टैप रूट है, तो हम थोड़ी सी इसकी टैप रूट भी काटेंगे। ये एक तरीके से बोनसाई बन गई है हमारे पास। तो दोस्तों इसी प्रकार बोनसाई बनाने का तरीका यही होता है कि जो टैप रूट होती है उसको आपको काटते रहना है, और जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनको हल्के हल्के से सॉफ्ट प्रून करते रहना है। दोस्तों देखिए लगभग हमने इसमें 70% इसकी मिट्टी को हटा दिया है और केवल इतनी मिट्टी बची हुई है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसकी जो जड़ें हैं इनमें भी दूध निकल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एंटी फंगल पाउडर बाली मिट्टी का यूज करेंगे, क्योंकि जब आपके पौधे में लेटेक्स निकलता है तो फंगस का अटैक होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी पहले से बेट है, थोड़ी सी गीली है मिट्टी। जब भी कभी दोस्तों आप रिपोर्टिंग करें तो कोशिश ये करें कि एक दो दिन पहले पानी न डालें, लेकिन चूंकि हमने कल इसमें पानी डाल दिया था और हमें आज इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इसमें एंटी फंगल डाल देंगे और हमारा जो बेस होता है वो एंटी फंगल ही बेस होता है सभी उसमें। और दोस्तों देखिए हमारे पास गार्डन सॉइल है और इस गार्डन सॉइल में वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, काउडंग मिला हुआ है और हड्डी वाला चूरा भी मिला हुआ है। दोस्तों क्योंकि इसमें अब साल भर जो है बहुत ज़्यादा हम इसमें वो खाद वगैरह नहीं डालेंगे, केवल इसमें पानी डालेंगे और समय समय गुड़ाई करते रहेंगे, अब इतने में ही आपको ये पर्याप्त मात्रा में फूल देगा। दोस्तों ये थोड़ी सी हम इसमें मिक्सर ये डाले दे रहे हैं, इस मिक्सर में NPK है, DAP है और सीबीड है। दोस्तों सीबीड जो है वो थोड़ा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, तो वो आपको जरूर डाल देना चाहिए। और दोस्तों जब आपका पौधा रिपार्ट हो जाए तो आपको इस प्रकार से सबसे पहली बार में डीप वाटरिंग करना चाहिए। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी इसकी कितनी अच्छी है। हमने देखो पूरा भर दिया है, गमले को गले तक भर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे आधे सेकंड में कि ये देखिए पानी धीरे धीरे नीचे तरफ जा रहा है। ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो पानी देखो नीचे धीरे तरफ जा रहा है। बस यही सबसे बड़ी खास बात होती है कि अगर आपके पौधे में वाटर होल्ड नहीं होता है तो 100% पौधा कभी भी मरेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारे दोस्तों को एक बात थोड़ी सी नहीं पता है, एक कभी कभी ऐसा करते हैं ऐसी मिट्टी बना देते हैं जिसमें पोरोसिटी नहीं होती है, और मिट्टी को पोरस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसमें सैंड डाल दें। जो रिवर सैंड होती है वो अगर आप इसमें मिला देते हैं तो जो है आपको आपका मिट्टी पोरस हो जाएगी। दोस्तों जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं माने बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनमें कभी भी कोकोपीट नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं तो वाटर अब्जॉर्ब होने लगता है और उसके बाद फंगस ग्रो हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए।